चकड़ाला के लोगों की कौन सी जबान है, तहजीब व सकाफत क्या है, चकड़ाला में ज़्यादातर किस कौम के लोग आबाद हैं, चकड़ाला में जो कौम सदियों से आबाद है पाकिस्तान में उस कौम की हैसियत क्या है। थाना चकड़ाला आज भी इस कदर पसमांदा और हर सहूलत से महरूम क्यों है, और इस महरूमी और पसमांदगी के कौन से मनफी असरात चकड़ाला की तहजीब व सकाफत और चकड़ाला की ज़बान पर पढ़ सकते हैं। इन तमाम सवालात के जवाबात और फिर मुख्तसरन उनका तज़िया करना ज़रूरी है ताकि थाना चकड़ाला की मौजूदा और आने वाली नस्लों को इससे आगाही हासिल हो, इन्हें शऊर आए, इसलिए कि जब तक इनको सवालात के जवाबात नहीं मिलेंगे वो कंफ्यूज रहेंगे और एहसासे कमतरी में मुब्तला रहेंगे। पहले हम ये बात सामने रखते हैं कि चकड़ाला में किस कौम के लोग सदियों से आबाद हैं, तो ये कोई इतना मुश्किल सवाल नहीं है। यकीनन चकड़ाला में 98% अवान बसते हैं, और जो अवान नहीं हैं वो अवानों के भाई हैं। जिस मिट्टी से अवानों का ताल्लुक है और जो अवान नहीं हैं वो भी चकड़ाला की मिट्टी के सपूत हैं। बाकी रहा कि ये अवान कौन हैं, अवान पाकिस्तान की चंद बड़ी कौमों में से एक कौम है। अवानों की तारीख सदियों पर मुहित है और एक ज़ाती मुशाहिदे और तज़िये के मुताबिक अवानों की खसूसियात ये हैं कि अवान ज़ालिम नहीं होते, अवान सुलह पसंद और रवादार लोग होते हैं, अवान मेहमान नवाज और मददगार होते हैं, अवान नस्ल परस्त और खुद परस्त नहीं होते, लेकिन अवान खुददार और गैरतमंद लोग होते हैं। अवानों में इनके सारी भी है और वफादारी भी है, इसलिए हर अवान को दूसरी कौमों की इज्जत करते हुए खुद पर भी फख्र करना चाहिए कि उनमें जो खसूसियात पाई जाती हैं वो बहुत आला और इंसानियत दोस्त खसूसियात हैं। जहाँ तक थाना चकड़ाला की तहजीब व सकाफत का ताल्लुक है तो टेक्सला से लेकर अटक, फतेहजंग, जंट, पिंडीखेप, तलागंग, लावा और सकेसर और फिर चकड़ाला, ये तमाम खित्ता अवानों का है। इनकी तहजीब व सकाफत सदियों पुरानी है, गो के अवानों ने बदलते हुए हालात के साथ साथ अपनी तहजीब व सकाफत में जिद्दत पैदा ज़रूर की, लेकिन इसके बावजूद अपने आबाओ अजदाद अपनी तारीख को कती तौर पर नहीं भूले। चकड़ाला की तहजीब व सकाफत किसी भी तहजीब व सकाफत से कम नहीं। अब हम मुख्तसरन जिक्र करेंगे चकड़ाला की ज़ुबान के बारे में। चकड़ाला कई दहाइयों से मियांवाली का हिस्सा है और चकड़ाला और मियांवाली के दरमियान एक बहुत बड़ा पहाड़ है और तवील फासला है। इसके बावजूद चकड़ाला का खित्ता इंतज़ामी हवाले से
मियांवाली में शामिल कर दिया गया। लेकिन मियांवाली की तहजीब सकाफत और ज़ुबान और चकराला की ज़ुबान और तहजीब सकाफत एक जैसी नहीं है। चकराला सकाफती तौर पर पोठोहार के खित्ते में वाक़िया है। चकराला की तमाम सरहदें तलागंग, लावा और अटक के साथ मिलती हैं। न सिर्फ चकराला की सरहदें मिलती हैं बल्कि चकराला के खूनी रिश्ते भी तलागंग, लावा और अटक के लोगों से हैं। इस लिहाज से चकराला की जुबान भी अवानों का हिंद को ले जाए। चकराला की जुबान भी अवानों का हिंद को ले जाए, न कि सरायकी और पंजाबी। इस लिहाज से चकराला की जुबान को हिंद को कहा जा सकता है, यानी अवानों का हिंद को ले जा। अब जो खास बात है और लम्हे फिक्रिया है वो ये है कि चकराला पसमांदा क्यों है और हर सहूलत से महरूम क्यों है, और इस महरूमी और पसमांदगी के असरात जुबान और तहजीब व सकाफत और अवानों की अजमत पर कैसे पड़ सकते हैं। इसका मुख्तसर जवाब ये है, बल्कि आपको समझने की ज़रूरत है और कोशिश करें कि इसको समझें आप। पसमांदगियाँ और महरूमियाँ किसी फर्द से या मुआशरा से उनकी खुद मुख्तारी छीन लेती हैं। और आप समझदार लोग हैं कि जब खुद मुख्तारी छिन जाए तो फिर वकार, इज्जत और खुददारी भी छिन जाती है। यही वजह है कि जब हम कहते हैं कि चकराला को तहसील का दर्जा दिया जाए तो इसका मतलब चकराला की आवाम को खुद मुख्तार किया जाए, और जब चकराला खुद मुख्तार होगा तो फिर चकराला की पसमांदगियां और महरूमियां मिट जाएंगी। न सिर्फ चकराला तरक्की करने लगेगा बल्कि चकराला की जुबान, तहजीब व सकाफत को तहफ़ुज भी हासिल हो जाएगा, जिससे थाना चकराला के अवानों की इज्जत और वकार में इजाफा होगा। और अगर चकराला तहसील न बने तो फिर महरूमियां और पसमांदगियां ही रहेंगी। याद रखें, महरूमियों और पसमांदियों का मतलब मोहताजी और गुलामी के सिवा कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया।